ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि राजयोग के अभ्यास से हमें क्या प्राप्त होता है। राजयोग मेडिटेशन तो आप जानते हैं कि अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके कि मैं देह से न्यारी प्यारी चेतना शक्ति हूँ, और फिर उस परमात्मा दिव्य चैतन्य शक्ति को, शक्तियों के सागर को याद कर, तो उसको याद करने की विधि से हमें गुण शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, और इससे हमें प्राप्त होती है अष्ट शक्तियां। यह अष्ट शक्तियां क्या है और कैसे हमारा जीवन इससे सुंदर, सफल और दिव्य बन जाता है, और जीवन के हर स्टेप पे हमें कैसे सफलता मिलती चली जाती है, ये आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ईश्वरीय जो ज्ञान मिल रहा है उसका नॉलेज होना, उसकी समझ होना जरूरी है। क्योंकि अब जब परमपिता शिव आए हैं इस धरती पर और आकर वो हम सबको बतला रहे हैं कि हम सभी चैतन्य शक्तियां हैं, आत्माएं हैं, हम सोचने, समझने, निर्णय करने वाली शक्तियां हैं, और सब अपने कर्मों के और संस्कारों के अनुसार ही बर्ताव कर रही है, तो ये चीज हमारे अंदर धैर्य पैदा कर देती है। और दूसरा, हमें जब ये समझ आता है कि हम सभी आत्माएं हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, इस संसार में इसी तरह ये पार्ट प्ले करती रही हैं, बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, फिर जन्म लेना, और इसी धरती पर हम रहते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए, लेकिन फिर यही पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन वो पार्ट कैसे प्ले होता है, वो हम कर्म फिलोसॉफी के अध्याय से समझते हैं कि कैसे हम जो करते हैं वही हमें वापस लौट कर आता है। जिस भावना से, जिस विचारों के साथ, जिस संवेदना के साथ और जितनी मात्रा में हम दूसरों को देते हैं, वो उन्हीं भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती। तो जब हमें ये स्मरण रहने लग जाता है कि सभी आत्माएं हैं, वो परमात्मा की संतान है, और अपने विचारों को उनके कर्म और संस्कार चला रहे हैं, वो अपने कर्म संस्कारों के वशीभूत है, मजबूर है उनसे, क्योंकि उन्हें ईश्वरीय ज्ञान तो अभी नहीं मिल रहा है, हमें तो मिल गया है। हम तो समझ रहे हैं कि अपने विचारों को अभी बदलने का समय है, अपने सद्गुणों को अपनाने का समय है, हम अपना भाग्य विचार बदलकर, कर्म की परिभाषा बदलकर, कर्म का तरीका बदलकर, विधि बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। लेकिन जो इस ज्ञान से अनजान है, उन्हें तो नहीं मालूम है, वे तो जैसा उनके अंदर रोल भरा हुआ है पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जैसे ही ये समझ आ जाती है, हमारे अंदर रहम की भावना बढ़ जाती है, और हम दूसरों के आचार व्यवहार, उनके द्वारा किए हुए बर्ताव को क्षमा करने की शक्ति हमारे अंदर बहुत पैदा हो जाती है। ये मैंने खुद महसूस किया, और जिन्होंने भी राजयोग का अभ्यास किया उन्होंने खुद जाना है कि धीरे 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 बाबा की मुरलियां पढ़ते हुए, बाबा की राजयोग मेडिटेशन करते हुए, ईश्वरीय ज्ञान को समझते, कैसे हमारा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई, जैसे सफाई हो गई हो उनकी मन से। तो इस तरह हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाती है कि दूसरे कोई हमारे से ईर्ष्या, द्वेष का बर्ताव करते हैं, कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं या दुर्भावना रखते हैं, तो उसे जानते समझते भी हम उनके साथ शुभ भावना का व्यवहार करना हम सक्षम हो जाते हैं उस। इसे कहते हैं सहन शक्ति आना, सहन शक्ति बढ़ना, किसी की बुरी बातों को सुनकर समा लेना कोई कमजोरी नहीं होती है, ये शक्ति होती है। तो हम व्यक्तियों को सहन करना सीख जाते हैं, और इससे हमारे संबंध सुधरने लगते हैं, हमारे संबंधों में मिठास आने लगती है, वो लोग हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारी बातों से प्रभावित होते हैं कि हमने इनके साथ बुरा किया, फिर भी इन्होंने हमें शुभ ही दिया, हमें जैसे को तैसा नहीं दिया, जमाने के अनुसार बर्ताव नहीं किया, तो इनके अंदर कितनी सद्भावना है। इसी के साथ साथ दूसरी शक्ति स्वयं ही आ गई, जो हम महसूस भी नहीं कर पाए, समाने की शक्ति। समाना क्या है? जब कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, गलत बोल दे, बुरा बोल दे, कुछ किसी के बारे में बोल दे, हमारे अपनी आलोचना कर दे,
लेकिन उसे सुन लेना और उसकी जैसे कि तैसी प्रतिक्रिया नहीं देना सुन करके, तो इसे कहते हैं संभालना। तो बाबा कितने अच्छे, ईश्वर जो है, शिव बाबा जो है, वो कितना प्यार से, कैसे सुंदर उदाहरण से इसको समझाते हैं। सहन शक्ति का उदाहरण वो देते हैं कि एक फलों से, पके हुए फलों से लदा हुआ वृक्ष है, तो जिस तरह वो व्यवहार करता है कि उसके साथ क्या करेंगी दुनिया, आकर के उसको पत्थर मारेगी, फल तोड़ने की इच्छा करेगी, क्योंकि उन्हें फलों की चाहना तो है, फल खाना चाहती है, पर उनकी तहजीब और तमीज हो सकता है अच्छी नहीं हो, कोई कांटे से बांस से तोड़ेगा, लेकिन अधिकतर तो पत्थर मार के ही तोड़ते हैं या डंडे मारते हैं पेड़ की डालियों पे, फिर भी वो वृक्ष उन्हें मीठे फल ही देता है। तो ऐसे ही हम जब गुणवान धीर्यवान बन जाते हैं, तो हमें भी जो भी व्यवहार करे दूसरी आत्मा, हमें उनको शुभता और शुभ भावनाएं देनी है, सदगुणों का सहयोग देना है। इसी तरह समाने की शक्ति का उदाहरण क्या दिया है भगवान ने, कि सागर को दिखाया कि उसमें कितनी भी नदियां, नाले, गंदे नाले सब आकर के अपना सब कुछ अंदर का उड़ल देते हैं, वो उड़ेलते हुए भी वो सागर जो है उन सबको समा लेता है, लेकिन फिर भी बाहर रतनी फेंकता है, हीरे मोती जवाहरात सीपियां यही सब देता है, उपयोगी चीजें देता है उनको, जमीन अंदर समा करके उनका परिवर्तन करके और गुण शक्तियों के रूप में बदल कर देता है। तो इस तरह हमें परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे ज्ञान का स्मरण करते करते आत्मिक भाव में रहते रहते सबको आत्मा की दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि ये सब एक परमात्मा की संतान है और हमें इस तरह धरती पर सदा ही रहना है, तो हमें क्यों न सुख चैन से रहना चाहिए सबके साथ शुभता का बर्ताव करके। तो ऐसे हमारे में धीरे धीरे सहन शक्ति और समाने की शक्ति आ जाती है, और ये जब दो शक्तियां आ जाती है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका जीवन ही बदल जाता है, आपका व्यक्तित्व पूर्ण तरह से चेंज परिवर्तित हो जाता है और लोगों में आपकी जो छवि है वो बदल जाती है, और ये सब आपके भाग्य को बदल देती है, उनके रिश्ते बदल जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, आपके बातचीत का नजरिया सकारात्मक हो जाता है, आप किसी से बर्ताव करते हैं, आप किसी के साथ लेन देन करते हैं वो भी सकारात्मक हो जाता है, और जहां भी आप कदम रखते हैं वो एक यादगार छोड़ने वाला बन जाता है। तो इस तरह भगवान हमें दिव्य और महान बना देते हैं। तो ये अष्ट शक्तियां हैं, आज हमने दो की चर्चा करी, आगे इसी कड़ी में और शक्तियों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ओम शांति।